इस वीडियो में हम आँख, नाक, कान, दांत एवं मुहा से जुड़ी सभी बीमारियों का एक्यूप्रेशर उपचार दिखाएंगे। मुख, जीभ व मसूड़ों संबंधी शिकायतों में एक्यूप्रेशर उपचार। पहला, कॉलर बोन के भीतरी सिरों के एंड नीचे कंठ की ओर के बिंदु। दूसरा, हाथ के पीछे अंगूठे व तर्जनी के बीच की मसल पर अवस्थित दो बिंदु। तीसरा, कान की निचली लौ पर जरा बाहरी ओर अवस्थित दो बिंदु। चौथा, जीभ की नोक के नीचे दाईं ओर अवस्थित बिंदु। प्रत्येक बिंदु पर 2 से 4 मिनट, दिन में 2-4 बार उपचार ले सकते हैं। नेत्र संबंधी परेशानी में एक्यूप्रेशर उपचार। आंखों को रोगों में पुतलियां घुमाने का व्यायाम लाभप्रद होता है। एक्यूप्रेशर इस विषय में एक दबाव बिंदुओं पर 2 से 4 मिनट दिन में 2 बार उपचार की व्यवस्था करता है। प्रातः शीघ्र उठकर सूर्य को उदित होते समय व उषा काल में क्षितिज पर देखना भी दृष्टि रोगों में लाभप्रद रहता है। पहला, तलवे पर पहली व दूसरी उंगली के मूल में स्थित बिंदु। दूसरा, कान में चित्रानुसार प्रदर्शित बिंदु। तीसरा, हाथ के पृष्ठ भाग में अंगूठे व तर्जनी के बीच की मसल पर अवस्थित बिंदु। चौथा, आँख के दोनों किनारों पर अवस्थित बिंदु। पांचवा, भौं के मध्य अवस्थित बिंदु। छठा, भौं के प्रारंभ से जरा नीचे स्थित बिंदु। सातवां, भौहों के अंत की ओर के मुड़े हुए भाग से एक अंगुल ऊपर माथे की ढलान पर आए हुए बिंदु। आठवां, पुतलियों की सीध में निचली पलकों के नीचे गाल की उभरी हुई हड्डी पर स्थित बिंदु। कान में किसी भी तरह की शिकायत होने पर एक्यूप्रेशर उपचार। पहला, कान की निचली लौ के पीछे खोपड़ी व कान के बीच के गड्ढे में अवस्थित बिंदु। दूसरा, कनपट्टी की अस्थि के साथ जरा ऊपर व जरा नीचे के दो बिंदु तथा कान की निचली लौ के आगे इन दोनों बिंदुओं के नीचे स्थित एक और बिंदु। तीसरा, कान की निचली लौ पर स्थित तथा ऊपरी गड्ढे में ऊपर नीचे स्थित 3 बिंदु जिन्हें एक साथ दबा सकते हैं। चौथा, पैर के अंगूठे व तर्जनी के जोड़ पर स्थित बिंदु, खडाव के लाभ। पांचवा, पैर की दूसरी उंगली के नाखून के बाहरी सिरे पर स्थित बिंदु। छठा, हाथ के पीछे अंगूठे व तर्जनी के बीच के मसल पर आया बिंदु। सातवां, कलाई के पीछे पंजे के जोर से 2 अंगुल दूर तर्जनी की सीध का बिंदु। प्रत्येक बिंदु पर 2 से 4 मिनट दिन में 2 बार उपचार लें अथवा आवश्यक हो तो 3 बार भी ले सकते हैं। नासिका संबंधी शिकायतों में एक्यूप्रेशर उपचार। पहला, कान के मध्य चेहरे से जुड़े उभरी ग्रंथि से आगे स्थित बिंदु। दूसरा, घुटने के जोर पीछे मध्य में स्थित बिंदु। तीसरा, कलाई के ऊपर पंजे व कलाई के जोर से 2 अंगुल पीछे तर्जनी व कनिष्ठिका की सीध में अवस्थित बिंदु। चौथा, हाथ के पीछे अंगूठे व तर्जनी के बीच के मसल पर अवस्थित बिंदु। पांचवा, खोपड़ी के पीछे कपाल व मेरुदंड की संधि पर स्थित बिंदु। छठा, इससे 1 अंगुल दाएं बाएं के बिंदु। सातवा, 2 अंगुल दाएं बाएं के बिंदु। आठवा, सिर आगे झुकाने पर गर्दन पर सबसे अधिक उभरी रीढ़ की गांठ के नीचे का बिंदु। प्रत्येक बिंदु पर 2 से 4 मिनट दिन में 2 बार उपचार ले। वीडियो को आगे शेयर कीजिए ताकि जरूरतमंद लोगों तक यह जानकारी पहुंच सके। अधिक जानकारी के लिए श्री राजीव दीक्षित जी के ज्ञान पर आधारित स्वदेशी अभियान ऐप डाउनलोड करें। धन्यवाद।